हमारे देश के सभी जनप्रतिनिधिगण, सरकार से हम लोगों ने आंदोलन लड़ा। आंदोलन को माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय पंचायती राज मंत्री चक्कर में पड़ा हूँ, ना मैं किसी पटना वाले के चक्कर में पड़ा। नमस्कार मित्रों, मैं गणेश कुमार चौधरी, पंचायत वार्ड सदस्य संघ के बिहार प्रदेश अध्यक्ष। देश एवं प्रदेशवासी एवं हमारे देश के सभी जनप्रतिनिधिगण और हमारे पंचायत वार्ड सदस्य संघ बिहार प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष एवं सभी वार्ड सदस्यगणों एवं वार्ड क्रियावन प्रबंधन समिति के सभी सदस्यगणों को नवरात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, पंचायत वार्ड सदस्य संघ विगत 20 महीनों से लगातार जिस संघर्ष को लड़ते आ रहा है, जिस अधिकार के लिए लड़ते आ रहा है, जिस प्रकार से हम लोगों ने 9 सूत्री मांग पत्र को लेकर लगातार 20 महीनों से अपनी लड़ाई को एक धारदार तरीके से, एक एकजुटता से, जिस प्रकार से आपने एक चट्टानी एकता के साथ, एकजुटता के साथ पंचायत वार्ड सदस्य संघ, जो एक राष्ट्रीय संगठन है, जिसको आप लोगों ने साथ दिया, और जिस प्रकार से हम लोगों ने 11 दिन भूख हड़ताल आंदोलन किया, 9 सूत्री मांग पत्र को लेकर विधानसभा का घेराव किया, हर प्रखंड में मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन, जिला स्तर पर धरना, प्रदेश स्तर पर धरना, और पूरे बिहार प्रदेश में कार्यकारिणी बैठक का बहिष्कार करना, हिटलर शाही और उस दोहरी नीति के खिलाफ में हम लोगों की जो ये लड़ाई है, मैं माँ भगवती से ये आशा करता हूँ, नवरात्रा के दिन यह संकल्प लेता हूँ कि भगवान उसी प्रकार से इस अहंकारी रूपी व्यवस्था को, जो हम लोगों के अधिकार पर कब्जियत है, जो हम लोगों के अधिकार में कटौती कर रहा है, जो हम लोगों के साथ धोखेधारी का एक नियम बना रखा है, उसको अंत करने के लिए यह विजयदशमी के रूप में आवे हम लोगों के लिए एक पावन व्यवस्था, ताकि हम लोग इसको हल कर सके, इस समस्या से जूझ रहे हैं उस समस्या का हल निकाल सके और लड़ कर अपना अधिकार हासिल कर सके। मैं साथियों पुनः पूरे बिहार प्रदेश के सभी साथी वार्ड सदस्य, जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष एवं वार्ड क्रियावन प्रबंधन समिति के सभी सदस्यगण एवं हमारे साथी वार्ड सदस्यगणों को नवरात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं, और आशा करता हूं कि आपके परिवार के सभी सदस्य, आप सब परिवार इस नवरात्रा की खुशियां आपके घरों में जाए। और मैं इस बात से दुखी हूं कि विगत 20 महीनों से जिस प्रकार से हम लोगों ने आंदोलन लड़ा, उस आंदोलन को माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय पंचायती राज मंत्री और इनके पदाधिकारियों के द्वारा यह कहकर मजाक उड़ाना कि आप लोग दिल्ली वाले और पटना वाले के चक्कर में पड़े हुए हैं, मैं इस बयान पर खेद प्रकट करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, यह आपके मुँह से शोभा नहीं देता है। मैं न किसी दिल्ली वाले के चक्कर में पड़ा हूँ, न मैं किसी पटना वाले के चक्कर में पड़ा हूँ। मैं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान पर विश्वास रखता हूँ, और मैं बिहार सरकार से मांग रहा हूँ, मैं केंद्र सरकार की उस व्यवस्था में जो मेरी हक होगी वही मांगूंगा। न मैं किसी दिल्ली वाले का तलवा चाटने वाला हूँ, न किसी पटना वाले का चाटने वाला हूँ। मेरा एक ही लक्ष्य है कि ग्राम पंचायत का विकास हो, महात्मा गांधी जी का सपना पूरा हो, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सपना पूरा हो, भगत सिंह का सपना पूरा हो, और जिन्होंने बलिदान देकर, जिन्होंने अपनी त्याग तपस्या से इस देश को आज़ाद दिलाया, जिन वीर सेनानियों ने अपने सीने पर गोली खाया, मैं उनकी आन बान शान के ऊपर कभी भी आँच नहीं आने दूंगा। मैं उस बिहार के निवासी हूँ जिस बिहार के निवासी प्रथम राष्ट्रपति महोदय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है, ये दिनकर की धरती है, ये गांधी जी की कर्म भूमि है बिहार, ये राजा जनक की धरती है, यह बुद्ध की धरती है। इसीलिए आप जो वक्तव्य दे रहे हैं,
उस वक्तव्य में बिहार का अपमान हो रहा है, जनप्रतिनिधियों की अपमान हो रहा है, गांधी जी के सपना और गांधी जी की विचारधारा, लोहिया के विचारधारा और जयप्रकाश नारायण जी के विचारधारा और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों को आप मजाक बना रहे हैं। मैं पुनः आपसे आग्रह करूंगा कि हम वार्ड सदस्य आपसे अपील करते हैं कि जो आपका फरमान है 20 तारीख तक का, 20 अक्टूबर तक जिस प्रकार से आपने हमारे साथ में वार्तालाप किया, आपके पदाधिकारियों के द्वारा जो वार्तालाप आश्वासन मिला, उस वार्तालाप को पूरा करें, अन्यथा हम बिहार के वार्ड सदस्य उस विजयदशमी को ही विजयदशमी मनाएंगे जिस दिन आपसे हक और अधिकार छीन कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय वार्ड सदस्य संघ।